ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਗੱਡੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਆਏ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ अस्सलामुअलैकुम उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस बिस्तर में लेट गया था और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं धूप सेकने के लिए बाहर निकला हूँ और माशाल्लाह धूप बहुत प्यारी निकली हुई है अभी इसी धूप में बैठ के पहले नाश्ता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया और अब तला उस्मान और रज़ा को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ इनके स्कूल की टाइमिंग 8:45 से 2 तक है और अब टाइम 8:23 हो गए अभी तो तकरीबन 20 मिनट पड़े जाना है नहीं जाना चल गला पकड़ दे जाना तेरा बस्ता की बस्ता तो वर्दी था है नहीं तेरे को छोटी छोटी लार स्कूल है ऐसी ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਦਿਆ ਵਾਪਸ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆਏ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆਏ किंदे कलो काका वाको कौन हाँ चल साठ अभी मैं इस क्यारी की सफाई करने लगा हूँ इसमें देखें कितने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं पत्तों से भरी हुई है और इस पौधे को जो टमाटर लगे हुए थे वो बड़ा सा इधर एक टमाटर लगा हुआ था इसको भी लगा हुआ था और इसे भी 2 लगे हुए थे वो बच्चों ने तोड़ लिए अभी इसको एक नया लग रहा है ये देखें एक लगा हुआ है और इसको भी एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा लगा हुआ है और जो हमने पनीरी लगाई थी वो पौधे लगाए थे ये देखें एक को फूल भी लगा हुआ है बाकी अभी छोटी है पनीरी इधर इधर एक और भी पौधा है जिसे फूल लगा हुआ ये देखें इसे पिंक कलर का फूल लगा हुआ सो अभी इसकी सफाई करते हैं और फिर देखते हैं इसे क्यारी की सफाई मैंने कर दी है ये देखें और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा गंद निकला इसमें से ये देखें ये सारे पत्ते इस क्यारी में से निकले अभी आप लोगों को और भी दिखाता हूँ ये देखें ये पत्ते भी निकले थोड़े से ये भी पड़े हैं ये देखें अब ये देखें इसकी सफाई पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही ये इधर भी पत्ते पड़े हैं ये सारे पत्ते इस क्यारी से निकले अब देखें अब बिल्कुल साफ़ होगी अभी 2-4 दिनों बाद फिर से वैसे ही गंद मच जाएगी किधर जाती पई गड्डी
है किधे लकड़ी सटी है अभी मैं आया हूँ बोर वाली जगह पे ये पाइप चेक करने ये देखे इसमें से पानी निकल रहा ये अभी बंद करना है ये इधर से लीक कर रहा है अभी इधर बोर किया हुआ है यहाँ से पानी जाता है घर अबू जान ये टायर ले आए थे गाड़ी का काट के ये देखें इस साइड से कटा हुआ इसमें हमने लगाने हैं पौधे लेकिन पहले इसमें हमने डालनी है मिट्टी और मिट्टी या तो ज़मीनी हो या फिर किसी खाले या नहर की भाल वगैरह हो लेकिन अब ज़मीनी मिट्टी तो नहीं मिलेगी क्योंकि हर किसी ने ज़मीनों में फसलें उगाई हुई हैं लेकिन अब मैं और तला नहर पे जा रहे हैं वहाँ से एक तोड़ा भाल लेके आते हैं ये है हमारे गांव की नहर और वो सामने हमारा गांव है ये बस इतनी सी दूर नहर है हमारे गाँव से अभी हम भाल ढूंढ के इसमें डालेंगे एक तोड़ा भाल हमने ले ली है इतनी सी ये एक तोड़ा अगर कम हुई तो और ले लेंगे लो जी मैं नहा के फ्रेश हो गया हूँ अभी आराम से जोर की नमाज पढ़ते हैं टाफी लगे फिर बनता फिर ना रख जा चेंज करते हैं किस वास्ते बनता फिर यारी ओ देख हाँ यारी है तो ये टाफियाँ बांट रहा है यारी आज यारी है टाफियाँ बांटी जा रही ले ले दूसरी भी ले ले बस एक ही ले सही दूसरी मैंने दे ये कोई तरीका है भीख मांगने का उन्होंने भी दे आजा टाफियाँ ले लो मैं ये तीसरी खा रहा एक ही बनाई फिर ना चल भाज जुड़ सी भाज आया 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 अभी असर की अजान हो गई है और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने तू किधर जा रहे हैं वजू किता ही तू कि बजा है खेडन सर की नमाज पढ़ने के बाद आज फिर हम क्रिकेट खेलने लगे लगता आज कटिंग शटिंग करवाए हैं थैंक्स आधी जगह थे आपने अपने ग्राउंड की पिच भी चेंज कर दी पहले इधर खेलते थे इधर इस तरफ अब उधर खेलते हैं इस साइड पे ये वाली ठीक है इस पिच पे सिर्फ एक ही मसला और वो है ये सूरज सामने जो खड़ा है इसके फेस पर लगता है ये देख फील्डिंग भी नहीं होती आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़